हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किरण गार्डन केयरिंग। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि अगर आपके पास भी बोटल लिली के प्लांट्स है तो बारिश के बाद फ्रेंड्स उसमें ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि बोटल लिली का प्लांट अगर अधिक बारिश होता है तो वो ख़राब होने लगता है। तो आप उसको ध्यान दें और उसकी केयर करें। ये देखिए, ये बारिश के टाइम काफ़ी बारिश हुई थी तो ये मेरा प्लांट्स इसकी पत्तियाँ गलने लगी थी। ये देखिए, ब्लैक ब्लैक हो गई हैं काफ़ी सारी इसके ब्रांचेज, और मतलब ब्रांच इसकी गल गई थी। ये देखिए, काफ़ी लीव्स भी इसकी गल गई हैं, काली काली पड़ गई हैं। तो ये जो ख़राब है उनको मैं कटिंग करके अलग कर दिया है मैंने, और इसमें ये मैंने हल्दी का पाउडर इसमें डाल दिया है, स्प्रे कर दिया है, ताकि इसको मतलब बचाया जा सके और ये मतलब आगे ज़्यादा ख़राब ना हो। तो इसको सही रखने के लिए बाकी मैंने जो ख़राब हो रहे थे प्लांट्स उनको निकाल लिया है, अलग कर लिया है, कलेक्ट कर लिया है, और उनमें से भी मैं सही प्लांट्स निकाल के, पत्तियाँ हटा के जो प्लांट सही बचेंगे उनको मैं निकाल के रख लूँगी और उनको अलग से उनकी पॉटिंग कर दूँगी, उनको भी लगा लूँगी, मैं वेस्ट नहीं करूँगी। ये देखिए, इतने सारे प्लांट्स मेरे निकले हैं जिनकी पत्तियाँ ख़राब हो रही थी, तो इसमें अभी चांसेस हैं काफ़ी अच्छे बचने के प्लांट्स। तो इनको फ्रेंड्स में जो ख़राब पत्तियाँ हैं उनको निकाल के और ये प्लांट्स मैं अलग कर लूँगी और फिर इनको पॉट कर दूँगी। तो इसको पॉट करने के लिए फ्रेंड्स, लगाने के लिए ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती। आपके पास वेस्ट भी कोई डिब्बा हो या पॉट हो, 4 इंच का भी हो या कुछ भी हो, आप उसमें भी इसको पॉटिंग कर सकते हैं, इसके उसको लगा सकते हैं। ये आराम से बहुत अच्छे से चलता है और बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद ये मेरा प्लांट्स बोटा लिली का कितना प्यारा हो गया। जो खाली जगह मैंने हटाई थी, जो मैंने इनके प्लांट्स निकाले थे, वो भी भर चुकी है काफ़ी, मतलब इसमें प्लांट्स आ गया है और ये काफ़ी अच्छा हो गया है। तो फ्रेंड्स, बोटल लिली के लिए जो सोल होती है, तो वो सोल आप नॉर्मल सोल में भी इसको लगा सकते हैं, इसके लिए कोई खास सोल की ज़रूरत नहीं होती है और ये आसानी से ग्रो हो जाता है। ये देखिए, ये अपनी स्टेम के साथ रूटिंग भी करता है, मतलब उसमें रूट आती रहती है। और ये देखिए, इसमें एक नई रूट भी आई हुई है, नई मतलब रूटिंग हुई है, ये पुरानी रूट्स है इसकी जो थोड़ी ड्राई हो गई है, और इसमें एक ये न्यू रूट्स भी है। ये देखिए, एकदम न्यू रूट्स निकली है। तो ये आप ऐसे डायरेक्ट कटिंग करके भी लगा सकते हैं। तो आप चाहें तो फ्रेंड्स इसको वाटर में भी लगा सकते हैं, और चाहें तो आप इसको सोल जमीन में भी लगा सकते हैं, मतलब मिट्टी में भी इसको लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी दोनों में ही चलता है और बहुत अच्छे से चलता है और कोई केयर नहीं है इसकी फ्रेंड्स। लो मेंटेनेंस प्लांट है और बहुत प्यारा लगता है, पूरा एक बुके की तरह लगता है। ये देखिए, ये मैंने आयरन के कंटेनर में लगाया था, वेस्ट था ये मेरा, तो उसमें मैंने एक ही ब्रांच इसकी लगाई थी और ये इस टाइम पे देखिए कितना अच्छा और कितना प्यारा हो गया है और बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। ये बहुत सुंदर लगता है फ्रेंड्स, आप अगर किसी बॉर्डर पे या किसी तरह से लगाना चाहें इसको तो ये लगा सकते हैं। ये बास्केट में भी बहुत अच्छे से लग जाता है, ये बास्केट प्लांट भी है फ्रेंड्स। और ये देखिए, मैंने वेस्ट में इसको लगा दिया था, जो मैंने प्लांट्स बचाए थे उसमें से प्लांट निकाले थे जो सेफ मैंने, उनको सारे को मैंने वेस्ट में ही लगाया है। तो इसके लिए फ्रेंड्स, पॉट की भी कोई टेंशन नहीं होती, आप किसी भी चीज़ में किसी भी पॉट में इसको लगा सकते हैं, ये आसानी से लग जाता है और ग्रो हो जाता है। और ये लो मेंटेनेंस प्लांट है फ्रेंड्स, तो ये आसानी से कहीं भी कभी भी लगाया जा सकता है। तो ये देखिए, मैंने सारे वेस्ट में ही लगा दिया थी इसकी कटिंग और वो भी काफ़ी अच्छे से चल जाती है और ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है फ्रेंड्स। तो अगर आप चाहें तो बोटा लिली का प्लांट्स अपने घर में लगा सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा प्लांट्स होता है, बहुत ही सुंदर लगता है और ये बहुत प्यारा लगता है बॉर्डर पे। अगर आप क्यारी में हैं, बॉर्डर साइड से लगाएं तो बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एक लाइन से अगर लगाएं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।